भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सभी भाई बहन वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और छोटा सा वीडियो रहेगा, जानकारी भी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत ही अहम जानकारी आपको देने वाले हैं। बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों की। तो यहां पर जो भर्तियां चल रही थी उस मामले में आखिर क्यों भर्तियां अटकी पड़ी हैं, निदेशालय के अधिकारी आखिर इस बारे में क्यों विचार नहीं कर रहे कि जो आंगनबाड़ी बहनें रह गई हैं बेचारी, उन बहनों पर आप डबल डबल केंद्रों का जो बोझ डाले हो और पैसे के नाम पर उनको कुछ भी नहीं दे रहे हो, यह कितना गलत है। आप अगर भर्ती समय पर करें, जल्दी करें नई भर्तियां, तो हमारी उन बहनों पर वो जो डबल डबल केंद्रों का चार्ज दे रखा गया है, वो जो बोझ है वो ऊपर से हट जाएगा, इससे बहनों को काफी राहत मिलेगी। तो आइए बात करते हैं इस बारे में, आपको बता दें, और फटाफट सभी भाई बहन एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी अपनी आल पर दबा लें। देखिएगा यहां पर बरेली में अटकी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की नियुक्ति। जागरण में भी इस तरह की जो है खबर प्रकाशित की गई है। जानिए नियुक्ति पर क्यों लगाई गई है रोक, तो आइए देखते हैं कि जागरण वालों का आखिर क्या कहना है बरेली जनपद के मामले में। ऐसे ही हर जिले का अपना जो है यहां पर यही दिक्कत है कि भर्तियां जो है वो गवर्नमेंट जो है सही समय पर नहीं करवा पा रही है। अगर चुनाव से पहले या जितनी जल्दी हो सके भर्तियां हो जाती तो फिर आंगनबाड़ी बहनों पर डबल डबल केंद्रों का जो बोझ है वो भी कम हो जाता, और कहीं ना कहीं जो कुपोषण को बढ़ावा मिल रहा है, अगर ज्यादा वर्कर होंगी, ज्यादा बहनें होंगी तो काम और भी अच्छा करेंगी। अगर एक ही बहनों पर ज्यादा से ज्यादा केंद्रों का बोझ होगा, ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी होंगे सर्वे करने के लिए या उनकी देखरेख करने के लिए, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत तो होती ही रहेगी और कुपोषण को भी बढ़ावा मिलेगा। आंगनबाड़ी वर्कर वगैरह की तरफ से आपको बता दें कि जिले के 2857 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सितंबर में 564 रिक्त पदों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की नियुक्तियां होनी थी। तो आपको बता दें जो बरेली में 2857 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिन पर सितंबर में 554 जो है जो खाली पद पड़े हुए हैं उनके लिए कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की नियुक्ति कराई गई है। इसके लिए विभिन्न विकास खंडों से 10,000 से अधिक महिलाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है। अब आप सोचो 564 जो है यहां पर पद हैं, ऑनलाइन आवेदन बरेली में कितने हुए हैं आप लोगों को, जैसा कि अभी मैंने बताया 10,000 से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किए हैं। अब सोचो 564 पदों के लिए 10,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना जो है यहां पर बेरोजगारी है। नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली का मामला सामने भी आया है, ऐसा भी देखने को मिला है। तो ऐसा आप मत समझना कि चुपचाप सब आसानी से सब ऐसे ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा। जो भी सेंध मार हैं वो अपना सेंध जो है भर्तियों में मार रहे हैं, वो धांधली करने के जुगाड़ में लोग लगे हुए हैं। आइए इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लेते हैं और जानते हैं। जिले में 2857 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सितंबर में 564 रिक्त पदों के लिए कार्यकर्ती सहायिकाओं की नियुक्ति होनी थी। इसके लिए विभिन्न विकास खंडों से 10,000 से अधिक महिलाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया। इस बीच नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली का मामला भी सामने देखने को मिला। हाई कोर्ट में सामान्य वर्ग के आवेदकों ने याचिका दाखिल कराई थी, जिस वजह से अब तक प्रक्रिया को गति नहीं मिल सकी है। यही कारण है कि आए दिन आवेदक जो है विभाग में पहुंच जो नियुक्तियां हैं उनकी जानकारी के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखो यहां पर मामला लटका रहता है, कभी इस कारण कभी उस कारण, और जो भी आवेदक है वो भी बेचारे परेशान होते हैं, और उनसे भी ज्यादा जो परेशान है वो वाली बहने हैं जिनके ऊपर केंद्रों का अतिरिक्त भार है बिना पैसों के। 60 वर्ष पूरी कर चुकी कार्यकर्ता उनको सेवा मुक्त कर देने के बाद जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्ती और सहायिकाओं के 564 पद खाली हो गए हैं। इन पदों को भरने के लिए बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ओर से आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका इनकी जो है भर्तियां निकाली गई हैं। रिक्त पदों के लिए जिले से 10,232 लोगों ने आवेदन किए हैं। बताओ बरेली जनपद में 10,232 आवेदन आए हैं और पद मैंने जैसा कि आपको बताया 564 है। ऐसे हर जिलों में बहनों आप लोग अपना अपना ध्यान देना, ऐसे ही जो है यहां पर आपके वहां पर भी आवेदन देखने को मिलेंगे। अब आप समझ सकती हो कि यह भर्ती प्रक्रिया में मेरिट बनेगी तो कितने कम लोगों का होगा, और आवेदन तो हर कोई करता है।
इसमें लिखा है, इस बीच नियुक्ति प्रक्रिया में सामान्य वर्ग के आवेदक को 10% का आरक्षण न मिलने की शिकायत लेकर कुछ आवेदक हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट में शिकायतकर्तियों की सूची में जिले से कोई नाम नहीं है, मगर इसके चलते प्रक्रिया अटक जाने से आवेदकों को अब इंतजार की घड़ियां गिननी पड़ रही है। ऐसे में आवेदक दूसरी तीसरे दिन विभाग और आंगनबाड़ी केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं। और जिला कार्यक्रम अधिकारी दीनानाथ द्विवेदी ने बताया कि जिले स्तर से नियुक्ति प्रक्रिया को गति नहीं दी जा सकती है, हाई कोर्ट के अग्रिम आदेशों के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो इस तरीके से जो भर्ती प्रक्रियाएं रहती हैं या कुछ भी हो, वो ऐसे ही सब लटका पड़ा रह जाता है, किसी को कुछ भी इन चीजों का लाभ नसीब नहीं हो पाता, क्योंकि ये चीजें कभी कोर्ट के चक्कर में लटकी रह जाती हैं। आगे लिखा हुआ, ब्लॉकवार आए आवेदनों पर एक नजर आप लोग भी डाल लीजिएगा। शहरी क्षेत्र से 3230 आए हैं, मझगवां से 765 आए हैं, नवाबगंज से 705 आए हैं, आलमपुर जाफराबाद से 502 आए हैं, भुता से 497 आए हैं, दमखोदा से 463 आए, इस तरह से देखने को मिले हैं। वहीं बिथरी वगैरह चैनपुर से 463 आए हैं और बहेड़ी से 441, मीरगंज से 436, फतेहगंज पश्चिमी से 429 और फरीदपुर से 414, शेरगढ़ से 389, क्यारा से 388 और यहां पर भदपुरा से 371, भोजीपुर से 304, रामनगर से 295, इस तरह से देखने को मिले हैं। वहीं बात करते हैं अगली एक खबर की, यह खबर भी काफी जो है यहां पर महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, हरियाणा के हिसार से निकल के आ रहे हो, हरियाणा में आंगनबाड़ी बहने जो है आंदोलन कर रही है। आंगनबाड़ी आंदोलन अब और तेज हो गया है, सोमवार से आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं खुलेंगे यहां पर, यह भी बहनों ने वहां पर ऐलान कर दिया है। विमला राठी व यहां पर जगतमती की उपस्थिति में यहां पर यह फैसला लिया गया है कि आंगनबाड़ी आंदोलन तेज, सोमवार से नहीं खुलेगा कोई भी सेंटर। तो हरियाणा में यहां पर यह चीजें चल रही हैं, बहनें अपने हक अधिकार को पाने के लिए मैदान में डटी हुई हैं। आइए देखते हैं हरियाणा सरकार कब तक उनकी मांगों पर विचार करती है। अभी हम लोग उनकी मांगों को एक बार जान लेते हैं कि किन मांगों को लेकर के हरियाणा में बहनें धरना कर रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को निजी एनजीओ के अधीन करने के विरोध में तथा वर्ष 2018 में किया गया समझौता लागू करने की मांग पर आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर यूनियन ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब कोई भी सेंटर नहीं खोला जाएगा और विरोध प्रदर्शन की धार भी तीखी की जाएगी। इस संबंध में आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर यूनियन की जिला कार्यकारिणी की बैठक प्रधान विमला राठी की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में वरिष्ठ महासचिव जगमती मलिक विशेष रूप से उपस्थित रही हैं। बैठक में कहा गया कि 40 दिन से अधिक के आंदोलन के बाद भी जब विभागीय मंत्री की आंखें नहीं खुल रही हैं तो सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। तो आप लोग जरा सीखिए हरियाणा की बहनों से, 40 दिन से ज्यादा हो गया बहनों को और वहां की सरकार अभी भी उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रही है और बहनों का आंदोलन 40 दिन से जारी है। अब सोचिए वो जनपद जो है राज्यों के भाई बहन जो केवल एक दिवसीय दो दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हैं, अब सोचो क्या आपके एक दिवसीय दो दिवसीय धरने प्रदर्शन से क्या आप सरकार को झुका लेंगे, क्या आप अपना हक अधिकार पालेंगे, क्या आप सरकार को अपनी मांगों के लिए मनवा लेंगे, कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे। तो यहां पर आपको बता दें तो आंदोलन बहने जो यहां पर तेज करने का एकमात्र ही उनके पास अब रास्ता बचा है। ऐसे में अब आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन ने निर्णय लिया है कि सोमवार से कोई भी सेंटर नहीं खोला जाएगा। तो सोमवार हो चुका और सोमवार से हरियाणा में कोई भी सेंटर न खोले जाने को लेकर के बैठक में ये कुछ निर्णय लिए गए हैं। कहा गया कि आंगनबाड़ी महिलाओं के लंबे आंदोलन के प्रति ये जो संवेदनहीनता है, ये काफी जो यहां पर वो दिखा करके अपनी ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व महिला सशक्तिकरण के नारे को सरकार ने तार तार करके रख दिया है। सरकार का यह जो रवैया है पूरी तरह से निंदनीय है और आंगनबाड़ी महिलाएं अपना आंदोलन और तेज करेंगी। इसके साथ ही आंगनबाड़ी महिलाओं से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन में हिस्सा लेकर इसे मजबूती दें। और बैठक में कहा गया है कि कोई भी वर्कर किसी भी प्रकार की रिपोर्ट ना दें और सेंटर भी ना खोले, यह राज्य कमेटी का फैसला है। बैठक में आंगनबाड़ी नेताओं ने कहा, यदि कोई वर्कर रिपोर्ट देती है और सेंटर खोलती है तो वो यूनियन का नुकसान कर रही है। उन्होंने कहा है कि हमने इस हड़ताल के दौरान PMMVY स्कीम, आपकी बेटी और जो अपनी बेटी स्कीम, और माताओं और जो है यहां पर ननिहालों को, यहां पर नौनिहालों को उनको लिखना चाहिए था, ये प्रिंट मीडिया की तरफ से गलत छपा है, नौनिहालों को सूखा राशन बांट करके अपना सेंटर का कार्य जो है किया है। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर देने का मतलब है कि आपने सेंटर का कार्य ही जो है यहां पर नहीं किया, इस तरह से यहां पर उन्होंने कहा हुआ है। तो जो भी बातें हैं कुल मिलाकर के साफ शब्दों में ये कहना है, बहनें आपकी हरियाणा में प्रयासरत हैं और वहां की बहनों को भी उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि 40 दिन अगर कोई यूनियन धरने पर बैठा रहता है तो यकीन मानो वो आपके लिए बेस्ट है। और यहां पर इन चीजों के बारे में आप सोचो, वरना जिन्हें केवल खाना पूर्ति करनी है तो वो एक दिवसीय दो दिवसीय में सब कुछ खत्म करके घर बैठ जाते हैं आसानी से, क्योंकि
आप जानते हो यूनियनों को उनका जो वाला पैसा है, जैसे मान लो सदस्यता शुल्क वाला, वो तो अपना समय पर बहने भेजती ही रहती हैं और इसी वजह से उनको भी ज्यादा वो नहीं होता। और गवर्नमेंट जहां पर थोड़ा सख्त है तो ऐसे में सरकार से लोहा लेने के बारे में भी लोग जो है हजार बार सोचती हैं। तो आप लोगों को अगर ऐसा यूनियन हरियाणा में मिला है कि वो 40 दिन से धरने पर बैठे हैं और आप सब बहने अगर उनका सहयोग ना कर पाओ तो फिर ये कहीं ना कहीं आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। तो आज जो है सुबह का वीडियो हम इतना ही रखते हैं और आप सब भाई बहनों से उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा वीडियो सिर्फ दो खबरों के साथ में पसंद आया होगा। इन दिनों हम आपको बता दें कि हम थोड़ा गंगा स्नान में व्यस्त हैं और इस वजह से जो है हम आप लोगों को ज्यादा बहुत ज्यादा खबरें लगा करके नहीं दे पा रहे हैं। तो उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगले वीडियो में हम फिर आप लोगों को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो